Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 23, निबंध लेखन, essay writing. किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से किए गए लेखन कार्य को निबंध कहते हैं. निबंध में लेखक अपने विचार व्यक्त करता है. विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल और भाषा शैली का विकास करने के लिए निबंध लेखन आवश्यक है. निबंध लेखन में व्यक्ति किसी विषय या घटना पर एकाग्रचित होकर मनन करता है और फिर उससे संबंधित अपने विचार प्रकट करता है. पिछली कक्षाओं में आप निबंध लिखने में ध्यान रखने योग्य बातों का अध्ययन कर चुके हैं. यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं. इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इनसे मिलते जुलते विषयों पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए. एक, स्वतंत्रता दिवस. स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है. इसे भारतवासी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ था. तभी से 15 अगस्त के दिन प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. देश को आजाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों तथा देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस आदि ने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष किया. स्वतंत्रता दिवस के दिन संपूर्ण देश इन देशभक्तों को याद करता है. स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में विद्यालयों, कॉलेजों तथा सरकारी कार्यालयों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. राष्ट्रीय त्योहार होने के कारण इस दिन भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है. स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होता है. यहाँ भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देशवासियों को संबोधित कर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं. भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, राष्ट्र ध्वज को सलामी देती है. प्रत्येक राज्य के मुख्यालयों में मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं. विद्यालयों में प्रधानाचार्य राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. सब लोग राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर राष्ट्रगान गाते हैं. विद्यार्थी जगजगा प्रभात फेरी निकालते हैं. संस्थाओं में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है. सभी धर्मों संप्रदायों के लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास का त्योहार है. यह दिवस प्रत्येक वर्ष हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का स्मरण कराता है तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने को प्रेरित करता है. दो, भारतीय किसान. भारत कृषि प्रधान देश है. भारत की लगभग 70% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है. भारतीय किसान का जीवन परिश्रम से पूर्ण है. चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वह सुबह से शाम तक खेतों में कड़ा परिश्रम करता है. अधिकांश भारतीय किसान निर्धन है. भारत एक विकासशील देश है. भारत विद्युत और सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है. सिंचाई के अभाव में भारत के किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं. इस प्रकार भारत की कृषि वर्षा पर ही निर्भर है. यदि बारिश अच्छी होती है तो फसल भी खूब अच्छी होती है. यदि बारिश कम होती है तो फसल सूख जाती है और किसानों की सारी मेहनत बेकार चली जाती है. कभी कभी अत्यधिक बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है जिससे फसल नष्ट हो जाती है.
इस प्रकार भारतीय किसानों को कभी बाढ़ तो कभी सूखे का सामना करना पड़ता है। उन्नत बीजों रासायनिक खाद के महंगा होने के कारण भारतीय किसान अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है। गांवों में बिजली की कमी के कारण भी सिंचाई आदि कार्यों में भारतीय किसान बिजली का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। परंतु इन सभी विकट परिस्थितियों के बाद भी भारतीय किसान कड़ी मेहनत और साहस से भारतीय लोगों को अनाज व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। भारत में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। चार अनुशासन का महत्व। सूर्य नित्य नियम से उदित होता है और नियमानुसार ही अस्त होता है। रात और दिन का चक्र भी निर्धारित नियमों के अनुसार चलता रहता है। हमारी पृथ्वी भी निर्धारित नियमों के अनुसार ही अपनी धुरी पर घूमती है। चंद्रमा निर्धारित नियमों के अनुसार ही पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। अंतरिक्ष में अनेक ग्रह रात दिन विचरण करते हैं और टकराते नहीं। यह सब प्रकृति के नियमों के अनुरूप होता है। यदि ये सभी अपने नियमों का पालन न करे तो क्या होगा? ये सभी अनुशासित होकर अपने अपने कार्य में प्रकृति के नियमानुसार संलग्न रहते हैं। यही अनुशासन है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना तथा पारिभाषिक अर्थ है नियमों में बंधकर चलना। इस वास्तविक अर्थ के कारण ही इसकी महत्ता है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी महत्ता के दर्शन होते हैं। जीवन भी अनुशासन का ही एक प्रतिरूप है। जीवन तथा समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। नियम भंग करना बुरा माना जाता है और नियम भंग करने वाला दोषी वह दंड का पात्र भी होता है। शुद्ध आचरण और शुद्ध व्यवहार अनुशासन से ही होता है। अनुशासनहीन होने के कारण समाज में संगठन नहीं रह जाता। इस प्रकार आवश्यक मर्यादाएं नष्ट होती हैं, सम्मान की भावना नहीं रहती और कर्तव्य का ह्रास हो जाता है। अनुशासन न होने पर समाज में बिखराव आ जाता है और चारों ओर अव्यवस्था फैल जाती है। इससे समाज में रहने वालों के हित सुरक्षित नहीं रह पाते। इससे देश प्रेम की भावना को भी चोट पहुंचती है और अव्यवस्था के इस क्रम में उठाई गई हानि को भारतवर्ष सैकड़ों वर्षों तक गुलामी के रूप में ढोता रहा है। यह सर्वविदित ही है। अनुशासन सबके लिए आवश्यक है। यह उतना ही आवश्यक है जितनी प्राणों के लिए वायु। अनुशासन के पथ पर चलकर सैनिक देश का नाम उज्जवल करते हैं, कृषक अधिक अन्न उत्पन्न करते हैं, विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अनुशासन सफलता, यश और कीर्ति का आधारभूत स्तंभ है। जो व्यक्ति जितना अनुशासन प्रिय होगा वह उतनी ही शक्ति के साथ अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होगा। Like, share and subscribe.